उस समय पहले मैंने ट्रेटिनाइन क्रीम के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि ट्रेटिनाइन के बारे में पूरी जानकारी दी थी और उसको किस प्रकार से यूज़ करना, उसके साइड इफ़ेक्ट, सारी चीज़ों के बारे में बताया था। लेकिन उस के लिए किस कंपनी की कौन सी क्रीम यूज़ करना चाहिए वो मैंने नहीं बताया था। लेकिन काफ़ी कमेंट्स आए मेरे पास कि सर कौन सी क्रीम को यूज़ करना है, कौन सी क्रीम लगाना है, तो और कौन सी कंपनी की क्रीम सबसे बेस्ट है। तो मैंने कहा इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि आप कौन सी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल सके। हाय फ्रेंड, आई एम डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। सबसे पहले तो ये है कि यदि आपने वो ट्रेटिनाइन क्रीम वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो नहीं देखा है, तो सबसे पहले इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में वो वीडियो देखें ताकि आपको ट्रेटिनाइन क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले है एरोल क्रीम, ये 0.025% में है, ये एवर्ड कंपनी की, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 105 रुपये की एक्टिव है। और दूसरी क्रीम के बारे में बात करें तो एट्रेट क्रीम है, ये 0.025% की है और ये ब्रेंटन फार्मास्यूटिकल कंपनी की है, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 20 ग्राम की 132 रुपये की है। तीसरी क्रीम के बारे में बात करें तो रेटिनो ए क्रीम है, यह एंसेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई गई है और ये 20 ग्राम की 159 रुपये की है। ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये जो तीनों क्रीमों के बारे में बात करें ये सबसे बेस्ट क्रीम है। इन क्रीमों में से कोई सी भी क्रीम लगा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, और जो मिल जाए आपको उस हिसाब से, आप जो मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाए उस हिसाब से इस क्रीम का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें सारी जानकारी दी थी ट्रेटिनाइन क्रीम के बारे में, किस तरह से यूज़ करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके यूजेस, सारी चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में भी कि आपको किस तरह से यूज़ करना है, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और इस क्रीम को कैसे लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसके यूजेस बताता हूँ कि इसके यूजेस क्या हैं। सबसे है मैन इसका एक्ने पिंपल्स जो आपके मुहासे हो जाते हैं उनमें सबसे बेस्ट इसका यूज है, और दूसरा इसका है ना ब्लैक हेड्स जो वाइट हेड्स हो जाते हैं उनमें भी बहुत अच्छा यूज है इसका। रिंकल्स में आप इसका यूज कर सकते हैं इसको, हैं, और आपके चेहरे पे काले निशान जो पिंपल्स के बाद जो निशान हो जाते हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। आपकी जो ब्लैक हेड्स नहीं निकल पाते हैं उसको अगर आप कंटिन्यू लगाएंगे तो जो आपको ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, और आपकी जो स्किन है ना, स्किन में भी थोड़ा सा ग्लोइंग आ जाती है इस क्रीम को अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात है यदि आपकी ऑयली स्किन है ना, ऑयली स्किन के वजह से ही अगर जो पिंपल्स होते हैं सबसे ज़्यादा, और ब्लैक हेड्स भी आपके ऑयली स्किन के वजह से ही होते हैं, यदि आप ये क्रीम लगाएंगे तो जो स्किन है ना आपकी ड्राई होगी, और ड्राई होने के साथ साथ आपकी पिंपल्स होना भी ख़त्म हो जाएंगे, और कंटिन्यू और जो आपके पिंपल्स हुए हैं और जो आपके निशान हुए हैं चेहरे पे वो सब धीरे धीरे आपके निकल जाएंगे। वैसे यूज़ तो और भी हैं इसके, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके एक्ने पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और रिंकल्स के लिए अच्छा यूज़ है इसका। तो आप इन चीज़ों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने में बता देता हूँ किस तरह से आपको रात में लगाना है। सबसे पहले तो आपको क्रीम जो मैंने बताई है ना 0.025% का ही यूज़ करना है, और सबसे पहले यदि आप पहले दिन लगाएंगे 30 मिनट के लिए यूज़ करना है, 30 मिनट के लिए, और 30 मिनट के लगाने के बाद में आपको उसको धो लेना है, और दूसरे दिन आप यूज़ करें तो उसको है ना 40 मिनट कर दें, फिर 50 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा, ऐसे करके आप 8-10 दिन में आप कंटिन्यू एक पूरे रात भर के लिए लगाएं, और रात में ही इस क्रीम का लगाना है। दिन में बिल्कुल भी इस क्रीम को नहीं लगाना है। अगर आप दिन में इस क्रीम को लगाएंगे तो आपकी स्किन में रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ईचिंग होने लगेगी। वैसे भी यदि आपको ईचिंग हो या रेडनेस हो आपके चेहरे पे तो आप इस क्रीम को यूज़ करना बंद कर दें, और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि इस क्रीम को लगाने से हमें ये दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर आपको बताएगा आपको किस तरह से यूज़ करना है। वैसे अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे और तो आप वैसे भी इस क्रीम को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। और मैं एक बात और बता दूं, बिल्कुल थोड़ी सी लेना है जिस हिसाब से आपको, ऐसा नहीं है कुछ लोग जो क्रीम लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनको दिखना चाहिए चेहरे पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हल्की लगाना है, बिल्कुल लाइट, कि दिखना भी नहीं चाहिए और अपने चेहरे पे
लग भी जाए, जितना एरिया है आपके हिसाब से उस हिसाब से आपको स्क्रीन का यूज़ करना है। तो मैंने आपको बता दिया इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस क्रीम की कुछ सावधानियों के बारे में और बात कर लेते हैं कि इसको क्रीम को यूज़ करते समय हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए। सबसे पहले यदि आपको इस क्रीम का यूज़ करना है तो आप सनस्क्रीन का ज़रूर यूज़ करें। आपको धूप में निकलते समय आप सनस्क्रीन का यूज़ करें, घर में हैं तब भी आप सनस्क्रीन का यूज़ करें ताकि आपकी जो स्किन चेहरे की जो रेडनेस है वो बढ़े ना। और हर 6-6 घंटे में अगर आप ये सनस्क्रीन का यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पे ग्लोइंग भी आ जाएगी धीरे धीरे और किसी तरह के कोई निशान भी नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, यदि आपको चेहरे पे ये ट्रेटनिंग क्रीम लगाने के बाद में आपकी ड्राई स्किन होती है, आपके चेहरे पे खिंचाव होता है आपकी स्किन में, तो आप मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन का भी यूज़ कर सकते हैं। करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके चेहरे पे खिंचाव नहीं होगा किसी भी तरह का। आप प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं करना क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको यूज़ करेंगे तो हो सकता है किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं आप बेबी को तब भी आप इस क्रीम का यूज़ नहीं करना। इस क्रीम को यूज़ करते समय आपको अदर कोई भी क्रीम का यूज़ नहीं करना, किसी भी क्रीम का यूज़ नहीं करना। यदि आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं और आप उनको लगाना चाह रही हैं तो छोटे बच्चों से लेकर आप 12 साल तक के बच्चों को किसी को भी यूज़ नहीं करना है। इस क्रीम को लगाने से पहले आप अच्छी तरह से हैंड वॉश से हाथ धो लें या फिर कोई एंटीसेप्टिक सोप है उससे हाथ धो लें ताकि आपके जो चेहरे पे कोई बैक्टीरिया ना लगे, आपके जो हाथों के बैक्टीरिया वो मर जाएं। यदि आप गंदे हाथों से आपके चेहरे पे वो भी क्रीम लगाएंगे तो वैसे ही आपके चेहरे पे प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है या वाइट हेड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है वो और बढ़ सकती है। इसलिए आपको किसी भी एंटीसेप्टिक हैंड वॉश या सोप का यूज़ करना चाहिए। यदि इस क्रीम को लगाने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है या रेडनेस बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, जो आप दिखाते हैं जिन डॉक्टरों को उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि उनको समझ में नहीं आता तो आप डर्माटोलॉजी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इस क्रीम को लगाने से पहले वैसे भी आपको डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लेने चाहिए। और यदि आप वैसे भी किसी क्रीम का भी यूज़ करते हैं या कोई फिर स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डर्माटोलॉजी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिना डर्माटोलॉजी डॉक्टर को आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो स्किन की प्रॉब्लम है ना, अगर आप उसका केयर नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी कुछ लोग तो बिना डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं है कि मेडिसिनों के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या हैं, आपको यूज़ भी पता नहीं है, किसी ने बोल दिया आपको, उस तरह से आप यूज़ करते रहते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मिलने वालों में, आपके रिश्तेदारों में और आपकी जो फ्रेंड सर्कल हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस ट्रेटिनाइन क्रीम के बारे में लोगों को भी जानकारी मिल सके। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।